लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर मतलब हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 4 के कक्षा 4 के पार्ट 6। तो उस विषय का नाम होता है संज्ञा नाम वाले शब्द। यहाँ पर लिखी हूँ टॉपिक का नाम है संज्ञा नाम वाले शब्द। बच्चों आप देखिए आपका यही वाला है व्याकरण बुक। व्याकरण बुक से मतलब व्याकरण किताब निकालने पर आपको यहाँ दिखा जाएगा कि संज्ञा क्या है, संज्ञा का विषय का नाम। तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण के बाद ही हम पढ़ेंगे तो संज्ञा नाम वाले शब्द। तो व्याकरण होता है हमें शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना व्याकरण सिखाती है। व्याकरण पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो वाक्य लिखेंगे जो जो शब्द लिखेंगे वो वाला शुद्ध है या अशुद्ध है। तो व्याकरण का डेफिनेशन होता है, व्याकरण का परिभाषा होता है हमें शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना व्याकरण ही सिखाती है। तो व्याकरण का नियम ही हमें भाषा सिखाती है। तो अभी शुरू करेंगे आपके कक्षा 4 के पार्ट 6। कक्षा 4 पार्ट 6। तो क्या है टॉपिक का नाम? संज्ञा नाम वाले शब्द। तो संज्ञा पहले आप पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 3 में मतलब कक्षा 3 में नाम वाले सभी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो नाम वाले सभी शब्द तो कक्षा 3 तो छोटे बच्चे हैं इसीलिए एक लाइन में एक सेंटेंस में आप बोल सकते हैं कि नाम वाले सभी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आप जो कक्षा 4 में है तो संज्ञा क्या होता है पहले संज्ञा का परिभाषा आपको जानना चाहिए। परिभाषा क्या होता है? संज्ञा का डेफिनेशन। ओके, तो संज्ञा का डेफिनेशन होता है किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो संज्ञा का फिर डेफिनेशन हम दो आएंगे। संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है? किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।
तीन होते हैं। संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। नंबर दो जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीन भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों ये देखिए कि जो संज्ञा का तीन भेद होते हैं उन भेदों का नाम होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। पहले भेदों का परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है, जो कि पहला नंबर है, नंबर एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक क्या होता है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, राम, भारत, ताजमहल आदि। राम यहाँ पर लिखा, राम राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, संज्ञा का उदाहरण है। तो राम पर्टिकुलर नेम, जो जो अंग्रेज में कहते हैं कि नाउन, जो संज्ञा होते हैं नाउन, जो पर्टिकुलर नेम होता है, विशेष व्यक्ति का नाम होता है राम। भारत ये भी विशेष नाम है और ताजमहल ये भी विशेष नाम है, इसीलिए इसे चुना गया है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आदि यहाँ पर जो मैंने लिखी हूँ, बहुत बच्चे होते हैं आदि का मतलब नहीं समझते। बहुत बच्चे मुझे भी क्वेश्चन पूछे कि आदि नाम, आदि का मतलब क्या होता है? तो आदि का मतलब होता है, आप अंग्रेजी में लिखते हैं ETC, मतलब ETC क्या मतलब होता है अंग्रेजी में? एक्सेट्रा। ओके, तो इसीलिए आदि मैंने लिखी, हिंदी में उसे कहते हैं ETC को आदि बोलते हैं। मतलब इस तरह का और भी बहुत सारा शब्द होते हैं। ओके, देन जातिवाचक संज्ञा नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है? किसी प्राणी, स्थान अथवा जाति के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो भी प्राणी हो या पशु पक्षी, जो भी प्राणी होते हैं, जगह का नाम होता है, स्थान का नाम होता है, जाति को बोलते हैं। उदाहरण होता है लड़का, लड़का एक विशेष जाति का होता है, क्योंकि सारे लड़कियों को हम समझते हैं, इसे होते हैं जातिवाचक संज्ञा। देन पोल, देन पहाड़, देन नदी, तो ये होते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद संज्ञा का लास्ट के तीन भेदों का नाम होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का परिभाषा क्या होता है? किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम अर्थात गुण, दोष तथा दशा का बोध करने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी प्राणी, जो भी प्राणी हो, मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, उनके क्या बोलते हैं कि प्राणी, वस्तु अथवा स्थान कि क्या बताते हैं कि जो कि भाव, भाव आपके में मन के अंदर क्या है, उसे हम समझेंगे भाववाचक संज्ञा। तो क्या होता है? उदाहरण, सुंदरता, क्रोध, प्यार, गर्व और आत्मा। तो ठीक है, तो ये है कि संज्ञा का तीन भेदों का परिभाषा। उसके बाद लास्ट में आज मैं ये भेद कहना चाहूंगी कि यदि आपको एक वाक्य लिखने से पता चल जाए कि उन भेदों का, तीन भेदों का इस वाक्य में मौजूद है, तो जो तीन भेद होता है संज्ञा का, उन तीनों भेदों का उदाहरण, एक उदाहरण में आपको समझ में आ जाए कि तीन उदाहरण का यहाँ पर मौजूद है कि व्यक्तिवाचक।
संज्ञा, संज्ञा का भेद नंबर वन व्यक्तिवाचक संज्ञा। देन होशियार, होशियार राम एक होशियार लड़का है। होशियार होता है भाववाचक संज्ञा, राम का गुण गुण बताता है, राम कैसा लड़का है, राम होशियार लड़का है। तो आप यहाँ से मिल गया है नंबर थ्री का भाववाचक संज्ञा। देन लड़का, यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है लड़का, लड़का होता है संज्ञा का दूसरा भेदों का नाम जो कि जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़का एक जाति को हम समझते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ इस वाक्य को पढ़कर आपको मालूम पड़ जाए कि संज्ञा का जो तीन भेद होते हैं उन तीनों भेदों को यदि हम लिखेंगे एक वाक्य में तो आपको पता चल जाए कि राम है।